बैक टू माय चैनल मेघस गुड लाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज आप सभी से मैं अपना घर दिखाने वाली हूँ, मतलब आप सबको अपना होम टूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना 1 BHK रेंटेड हाउस को किस तरीके से रखी हूँ और कैसे हम लोग रहते हैं आप सबको दिखाती हूँ। आप सब बताइएगा कैसे लगेगा, आप सबको कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स आप सबको मैं बाहर दिखा देती हूँ। तो ये रहा बाहर का एरिया जहाँ बड़ा सा गेट लगा हुआ है, और ये रहा पार्किंग स्पेस जिसमें मैं अपना स्कूटी बाइक ये सब हम लोग रखते हैं यहाँ पास। उसके बाद फिर हम लोग अंदर चलेंगे। तो यहाँ पास बच्चे लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, इसीलिए मैं फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा रूम का बाहर का, अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो पहले मैं गेट बंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबको आगे दिखाती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा। और आप सबको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो ये रहा मेरा हॉल एरिया। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ गेट के जस्ट बगल में ही मैं एक तो चेयर रखी हूँ। तो यहाँ हमेशा ये चेयर रहता है, ये ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। और ये रहा तख्त जो कि यहाँ हमारा सेटअप एरिया है। अभी तो वैसे सोफ़ा नहीं है, तो इसी में कोई कोई आने जाने वाले लोग के लिए ऐसी रखी हूँ। और ये रहा एक टेबल उसके जस्ट बगल में, तो इसमें मैं थोड़ा सा सामान रखी हुई हैं जो डेली यूज़ होती है। और इधर मैं चटाई रखी हूँ नीचे, और उसके जस्ट बगल में ये रूम है और ये वॉश एरिया है। और उसके जस्ट बगल में ये मेरा सिलाई मशीन का पूरा सामान है। तो यहाँ पास ही मैं सिलाई करती हूँ, और इधर पूरा मेरा सिलाई का सामान रखा हुआ है। और सामने में यहाँ टीवी रखा है। तो यहाँ टीवी को मैं जस्ट सामने में ही लगाई हूँ। और ये दो चेयर हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कोई आता है तभी खुलता है, तो यहीं रखती हूँ। जैसे खाना बनाती हूँ और उतने टाइम मुझे टीवी देखना रहता है, तो मैं यहाँ आके बैठती हूँ, टीवी देखती हूँ, इधर खाना भी बनाती हूँ। और वो जो वॉल में लगा है वो मिरर वाला था जो हम लोग शिफ्ट किए, तो फिर वो पूरा टूट गया, तो ऐसे ही लगा दी हूँ, तो भी यही अच्छा लग रहा है। और ये रहा मेरा किचन, और ये रहा विंडो जस्ट बगल में ही। और ये जो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसको मैंने राज उत्सव से ख़रीदा था, मेरे शादी से पहले का है ये वाला। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए मेरा की रिंग अभी टूट गया है, इग्नोर कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं अभी हॉल को रखी हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं है अभी मेरे पास, जितना है उसमें ही मैं अभी रखी हूँ। और ये रहा मेरे शादी के दिन का फ्रेम, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको रूम में एक और फ्रेम दिखाऊंगी। और ये मेरा भी सिंगल है। तो ये रहा मेरा छोटा सा हॉल, और मेरा हॉल कैसे लग रहा है बताइएगा। उतना अच्छे से तो अभी सामान नहीं है, तो जितना है उतने में ही मैं इस तरीके से रखी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो झूमर है और जो आयना वाला था दीवार हैंगर वो, और इसको दोनों को साथ में मैं दिवाली में ली थी, तो वही है। और देखिए यहाँ स्टोरेज का स्पेस दिया है ऊपर में, तो इसे थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब चलिए आप सबको मैं रूम में दिखाती हूँ। तो रूम में जस्ट ये पर्दा लगा दी हूँ, और हम लोग सीधा एंटर करेंगे। तो देखिए दरवाज़ा के जस्ट बगल में ही मैं ये रखी हूँ बेड अपना। तो ये छोटा सा बेड है अभी तो ऐसी ही वाला है। तो ये और बगल में मैं जग रखी हूँ जिसको नाइट में यूज़ कर लेते हैं, सुबह उठ के जैसे पानी पीना रहता है, तो तांबे का है इसीलिए। और इधर है मेरा अलमीरा, और जो सेकंड पिक्चर है ये रहा। तो ये रहा मेरा अलमीरा और ये मैं। तो कैसे लग रही हूँ बताइएगा कमेंट करके। और चलिए फिर और दिखाती हूँ आप सबको आगे। तो यहाँ पास मेरा फ़ोटो है शादी वाला दोनों का, तो ये बहुत अच्छा लगता है, सब इसको पसंद ही करते हैं रील्स में देखते हैं तो। और ये रहा एक रेक है जिसमें मैं अपना सामान रखी हुई हूँ डेली यूज़ का। और फ़िलहाल तो मेरा भी मंदिर नहीं है, तो मैं यहीं रखी हूँ, तो साथ में मैं पर्दा लगा देती हूँ अभी। और ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर, तो बहुत जल्दी मैं मंदिर भी खरीदूंगी, फिर इसको हॉल में लगाऊंगी। और ये रहा मेरा सिलाई वाला कपड़ा कस्टमर लोग का, तो यहीं रखती हूँ फ्रेंड्स मैं।
और ऐसे ही रखती हूँ, ज़्यादा सामान तो नहीं है, जितना है उतना ही। और यहाँ एक फ़ोटो फ्रेम है, घड़ी है, और ये भी मेरे शादी के टाइम का, और जो छोटी दिख रही है ना वो भी मैं ही हूँ। तो ऐसी ही मैं रखी हूँ, ऑर्गेनाइज की हूँ अपने घर को। और ये रहा मेरा ड्रेसिंग, तो देखिए यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से रखी हूँ। और इसमें भी मेरे डेली यूजेस कपड़ा रखती हूँ मैं, और कुछ कुछ और सामान रहता है सबको ऐसे ही मैं रखती हूँ। इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल में डाली हूँ, तो आप सब ज़रूर जाके देखिएगा। इसको मैं मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, और ये रहा निहार बाबू, तो इसका नाम रखे हैं हम लोग निहार। और ये रहा मेरा छोटा सा ड्रेसिंग, और ये मेरा फैंसी सामान, तो ऐसे ही मैं रखी हूँ। और ये खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, तो इधर से थोड़ा हवा हवा आ जाता है तो सही लग जाता है। वैसे तो इसको दिए हैं तो सही भी किए हैं। और ये रहा मेरा टियारा, तो यहाँ पर मैं लगाई हूँ। और वीडियो वीडियो बनाना रहता तो यही दीवार में ही बना लेती हूँ, और जस्ट दरवाजे के बगल में ही कपड़ा वाला हैंगल है, तो यहाँ पर मैं डेली यूज़ का हस्बैंड जी का कपड़ा भी लगा देती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक रूम का, तो कैसे लगा बताइएगा कमेंट करके। और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मेरी वीडियो आप सबको देखने के लिए मिले। और चलिए फिर लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अब आप सब रूम के बाहर चलते हैं और बाहर को दिखाती हूँ। तो रूम के जस्ट बगल में ही बाथरूम है और वॉश एरिया है, तो इधर को आप सबको अच्छे से नहीं दिखाती हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। और जस्ट यहाँ बोर्ड है तो मैं यहीं पास सिलाई भी कर लेती हूँ। तो अब आप सबको लेके चलती हूँ मेरे किचन में। तो ऐसे ही रहता है फ्रेंड्स रेंटेड हाउस, इसको हम अपने मर्ज़ी से तो कुछ कर नहीं सकते, बस जो सामान है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि जो रेंट वाला हाउस है वो अपना घर लगे। वैसे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और यहाँ हम लोग को ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है आए। और ये रहा फ्रिज में के ऊपर में सामान, जो कि उनके जिम वाला सामान रहता है यहीं पास। और थोड़ा सा ये गुलाब जामुन बनाऊंगी ऐसे करके मंगवा के रखी हूँ। और यहाँ पास कुछ स्नैक्स है जो कि मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, और अभी बर्तन धुली थी तो वहीं उधर रखी हूँ। और ये रहा मेरा बर्तन रैक, तो ऐसे ही है मेरा किचन। और ये रहा सिंक, तो इसमें भी थोड़ा सा बर्तन बाकी ही है, तो इस तरीके से की हूँ। और यहाँ कोई रैक नहीं है, तो ये ऑनलाइन ये रेक मंगवाई थी, आप सब इसका वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो इसी में भी अपना मसालदानी का ये सब रख लेती हूँ, छोटा छोटा जो डिब्बा है उसी में। और यहाँ चकली बेलन को इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज की हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर खाना भी बनाई हूँ, तो अभी रखाया ही हुआ है ऐसे ही। तो इस तरीके से है मेरा किचन। और यहाँ बस ऑयल ये सब मैं रखी हुई हूँ, तो ऐसे ही रखी हूँ अपने किचन को, सादा सिंपल सा, उतने अच्छे से तो नहीं आता है। और आप सबको अगर कुछ चीज़ अच्छा नहीं लग रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं। और इधर देखिए बड़ा बड़ा जो डिब्बा है चावल आटे का राशन का, तो ये सब डिब्बा इस तरीके से नीचे में मैं रखी हुई हूँ। और इधर आलू प्याज वाला जो रेक होता है उसको रखी हूँ नीचे में, तो इस तरीके से है। और ये ऊपर में प्लेट दिया है, तो जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं ऊपर में रखी हूँ। तो एक बार आप सबको मैं अपने किचन का फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मेरा छोटा सा प्यारा सा रेंटेड हाउस आप सबको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सबको कहीं पास भी कुछ गलत लग रहा होगा तो सजेशन दीजिए मुझे कि मैं कैसे टाइप से अपने घर को रखूं। और तो होम टूर का वीडियो आप सबको कैसे लगी, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।